बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत मुबारकबाद सर। हम इससे पहले मिले थे जब आप कैंपेनिंग कर रहे थे और आज आप जीते हैं सर, पहले तो सबसे बहुत बहुत मुबारकबाद। और उसके बाद सर प्राथमिकताएं क्या रहेगी? मैम अभी हम थोड़ा सेटल होने में टाइम लग रहा है, अनदर वीक और सो, उसके बाद हमने वार्ड वाइज जाना है और वार्ड वाइज जाके लोगों की समस्याएं सुननी है और जो वहाँ की प्रायोरिटीज है जैसे लाइक समस्या है उनका समाधान करना है। इमीडिएटली हमारे को शुरू करना पड़ेगा। रोजगार और ओपीएस को लेकर प्रायोरिटीज कही गई थी, ओपीएस तो आपने कहा कि फर्स्ट कैबिनेट में करेंगे, रोजगार को लेकर क्या रोड मैप? ओपीएस का तो हमारा जो कमिटमेंट है कि फर्स्ट कैबिनेट में करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि उसको हम इमीडिएटली फर्स्ट कैबिनेट में ही इम्प्लीमेंट करें। और जहां तक कि आपका रोजगार की जो प्रॉब्लम है यहां पे, जो बेरोजगार हमारे छोटे भाई और यूथ यहां का है, उसके लिए हमने कई प्लान्स हमारे दिमाग में जो गवर्नमेंट के साथ बैठ के डिस्कस होगा और जगह जगह पे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज हम प्रयास करेंगे कि जहां पे भी जिस तरीके से कभी रोजगार दे सकते हैं उस तरीके से हम प्रयास करेंगे। खासकर शिमला में है जो ये एरिया है हिमाचल का, इसमें टूरिज्म का काफ़ी बड़ा प्रभाव है, उसके लिए प्रयास करेंगे। और हमारे डिफरेंट बींग अ कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश तो यहाँ पे काफ़ी यू नो एवेन्यूज खुल जाते हैं और उसमें हमारा ये प्रयास रहेगा कि हिमाचल के जो हमारे बच्चे हैं उनको इमीडिएटली यहाँ पे कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। कैबिनेट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना नाम? नहीं, आई थिंक मैं अपनी तरफ से तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आई एम अ फर्स्ट टाइमर राइट नाउ और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी ऑब्वियसली उसको निभाएंगे, लेकिन एक लिमिट तक ही सोच रखने में हम विश्वास रखते हैं, बियॉन्ड लिमिट हम भी ज़्यादा सोच नहीं रखते। राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पर था, केंद्रीय नेतृत्व, सर किस तरह का एक मैसेज दूसरी पार्टीज को भी गया है क्या लगता है? नहीं, ये जो मैसेज है यहाँ का ये हमेशा ही दर्शाता है कांग्रेस का, खास करके जहाँ पे भी हमारे जिस स्टेट में भी कांग्रेस आ रही है वहाँ का हमारा नेशनल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक के सारे भी जितने हमारे लीडर्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि अगले पूरे 5 साल में हम सब इकट्ठा होकर स्टेट की प्रोग्रेस के लिए काम करेंगे। पार्किंग का बहुत इशू है तो इसके लेकर भी कोई प्लान? बहुत इश्यूज है यहाँ पे, पार्किंग भी इशू है, पानी भी इशू है, आपके जो रोड्स की जो वाइडनिंग है वो भी इश्यूज हैं, हमारे जो यहाँ की एक्सेसिबिलिटीज है वो भी बहुत इशू है। तो जहाँ तक आपने पार्किंग के बारे में पूछा है, ऑब्वियसली इससे पहले भी जो ये 2-3 बड़ी मल्टी व्हीकल पार्किंग्स बनी हैं जो कि हंड्रेड्स में हैं, तो वो भी कांग्रेस गवर्नमेंट में आई थी और उसका भी जो हमने एक ब्लू प्रिंट बनाया था वो मैंने ही लाया था यहाँ पे एज BOT बेसिस पे और मेरे जहन में बात है और हम डिफरेंट पॉइंट्स में हमने पूरे 5 साल में हमने देख रखा है कि हमने क्या करना है एंड आई एम श्योर कि हम इसको मैक्सिमम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। बिल्कुल, तो ये थे हरीश जनार्था जिनका कहना था कि प्रायोरिटीज और ब्लूप्रिंट तैयार है, बस आगे उनको जो है काम करना है। तो लगातार समर्थक जो हैं वो मिल रहे हैं अपने विधायकों से और ऐसे में बहुत ज्यादा भीड़ भी है और धक्का मुक्की भी हो रही है, तो